तेरी किरत जिस चीज नू खत पाएगा मिट्टी भी सोना बनेगी। पर एक काम सवेरे शाम भुली ना कि जदो शाम पै जाए ते बीते हुए दिन दा शुकराना करी ते जदो प्यारिया अमृत वेले होवे बीती हुई रात दा शुकर करी। जे सवेरे ते शाम नाल नाम धन इकट्ठा करेगा तेरा लोक ते परलोक दोनों रह जाएंगे। ये शब्द अगा हजूर ने कहन लगे जब लग कहो बाक गुरु अमरदास जी ने कहा तुम दोनों लेवो। कहने तेन दोनों दिते नाम भी दिता धन भी दिता। कहो बाक तुम दोनों लेवो प्राप्त हवै सुख अभय अच्छे हो जब लग जीवो धन बहु पावो। जिन्नी देर तक जिंदा रहेगा तेन किसी दे अगे झोली नहीं अड़नी पेगी। तू सेवा जरूर करेगा पर मंगेगा नहीं किसी तो जाके। जब लग जीवो धन बहु पावो सिमरो सत नाम लिव लावो। सिमरन करी अगला बचन कहन लगे पुन ला पुन दान जरूर करी। जब लग जीवो धन बहु पावो सिमरो सत नाम लिव लावो। पुन दान कै लोक सदै कै अंतकाल जम नह दरसै कै। जे बंदगी करेगा जमा तो खाड़ा छुटेगा ते धन भी तेरा सफल होवेगा। मेरी सिर्फ एक बेनती है क्योंकि आम तौर पर जो कथा कीर्तन चलता है सब तो ज़्यादा जोर जो डांगा मारने से ना वो माया नू मारने धन नू ज्यों पैने नहीं भाई। गुरु साहब ने बाणी च कह कह लगे वेशवा दे शिंगार विच ते सुहागन दे शिंगार विच फर्क है। किवें सुहागन दा शिंगार साईं दी प्रसन्नता लई वेशवा दा शिंगार तन दी नुमाइश लई। गुरमुख दी माया सुहागन दा शिंगार है। खिमा करियो पाप कर करके कुकर्म कर करके लोकां दा हक मार मार के बख्श दिया जो इस तरह जिमें वेशवा दे तन दा शिंगार है। इस करके बेनती आरंभ च कीती कि संसार दे पदार्थ मंगिए पर भाई मैं मन नू कह रहा मना सारी जिंदगी पदार्थ ही मंगी जाना। हर चीज तू चाहना मेरी वध जाए पर सिमरन क्यों घटदा पे है। घर वड्डा मैं चाहना धन ज्यादा चाहना बच्चियां दी तलीम उच्ची चाहना। पता नहीं मन इन्ना दुलतियां मारदा है बाहर मुखी हर चीज की तरक्की चाहता है पर अंतर मुखी जेड़े नेम कदी गरीब हुंदियां निभांदा है अमीर हो के कहिंदा हुण की करिए वक्त ही नहीं निकलता पिया। चाहिदा तां इह सी जदों गरीबी वेले जिन्ना जपदा सै अज जे रब ने चार टके ते उदू दूणा परमात्मा की बंदगी कर फिर नहीं माया खांदी। सतगुरु ने बाणी विच कहा है कहन लगे गरुड़ मंत्र किसे कोल होवे ते सप उहदे इशारियां ते नचदा है ते जिदे कोल गारुड़ी मंत्र नहीं कई बार सप उन्हूं डंग मार के खत्म कर जांदा है। खैर आपां अपने प्रकरण विच थोड़ा जिहा रवां मैं आवां। हजूर ने कहा मंगण विच सब तो श्रेष्ठ की चीज़ है मांगना मांगन नीका। सब तो चंगी चीज़ मंगनी परमात्मा दा नाम। मांगना मांगन नीका हर यस गुर ते मांगना परमात्मा दा जस मिल जाए। आओ असी गुरु जी ने जो कुछ मंगिया बाणी विच असी देखिए। नाम लई भी अरदास कीती जांदी है नाम लई जाचना कीती जांदी बंदगी कीती जांदी है। हजूर धन गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी विच महापुरख बाबा फरीद जी वो जदों मंगदे ने ते दोनों हाथ फैला के रब दे दर ते अल्लाह दे सामने ये जाचना करते ने तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी। पनाह का अर्थ हुंदा है शरण विच आउणा फिरत फिरत प्रभाया परिया तो शरणाए। तेरी पनाह विच आया तू बख्शिश करन वाला है। तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी की मंगिया शेख फरीदा खैर दीजे बंदगी। मैनू बंदगी दे दिओ ये शब्द तां लिया
क्योंकि सब तो पहले महापुरुष ने जिन्हों का अमृत बोल अमृत सुखन बाणी विच ने, तेरी शरण विच आया या रब या अल्लाह मैनू अपनी बंदगी दे, मैनू अपनी इबादत दे, मेरे ते कृपा कर, मेरा कोई सवास तेरी इबादत तो खाली ना जाए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच सिर्फ मैं हुण बाणी विच बेनतियां करनियां ने, जदो अरदास गुरु रामदास करदे ने की मंगदे ने मालक दे दर तो, ते वैसे अरदास खास करके नाम ले बेनती नाम ले, जेड़े शब्द जिमें अज ये बचन आया है कि नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए, ये शब्द कह रहा है कि सिख वो शब्दों नू बेनती रूप च पढ़े जिन्हां च परमात्मा की भगती मंगी गई है। गुरु रामदास वो मालक दे दर ते मंगदे ने, पर वाहगुरु जी नू जजमान बना के अपने आप नू ढाडी बना के, ढाडी दा अर्थ हुंदा सिफत करन वाला। हजूर गुरु रामदास जे बचन ने खाओ ढाडी खर प्रभ खसम का, वाहगुरु जी दे दर दे ढाडियां, हर कै दर आया परमात्मा दे दर ते आया।